हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत ठीक हूँ और उम्मीद है आप लोग भी सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। सबसे पहले ब्लॉग शुरू करने के पहले सॉरी बोलूँगी, 2 दिन ब्लॉग मिस हो गया है। एक्चुअली शादी अटेंड करने के बाद इतना सब लोग थक गए थे ना कि कब सो जाते कब उठते पता नहीं, दिन दिन भर तो सोए सोए बीत गया। और फिर काफ़ी सारे रील्स बनाने के लिए शादी वाले दिन भी जगी रही थी, होल नाइट ऑलमोस्ट नींद आई नहीं थी। तो फिर ये इसी चक्कर में ना दिन भर सोती रही और कुछ ब्लॉग शूट नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाई थी। एनीवेज़ फ़िलहाल बेलेघाटा आ चुकी हूँ, लेकिन ये जो 2 दिन व्लॉग मिस हुआ है, इन दिनों जो जो कुछ हुआ था वो सारा छोटा छोटा क्लिप्स है मेरे पास, तो उन्हीं को जोड़ के उन दोनों दिनों की क्लिप्स आप लोगों को दिखा के आज का व्लॉग कंप्लीट करती हूँ। और फिर कल से रेगुलर जो व्लॉग्स होते हैं वो आते रहेंगे। तो ये जो 2 दिन मिस आउट हुआ है उसमें एक दिन तो शादी के नेक्स्ट दिन जो है नॉन वेज की पार्टी थी, तो उसमें भी कुछ शूट की नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी क्लिप है उसमें मामा जी के जो बेटे हैं, बड़े मामा जी के बेटे, उन लोगों ने खुशी का बर्थडे एडवांस में सेलिब्रेट किया क्योंकि हम लोग वहाँ गए हुए थे, और उसके बाद वाले दिन खुशी का असली में बर्थडे था। तो वो भी थोड़ी सी क्लिप्स हैं मेरे पास। घर पे उसके कुछ फ्रेंड्स आई थी और बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था, और वो जो पार्टी है बर्थडे की वो होने वाली है कल, यानी कि संडे। कल संडे है, कल होने वाली है पार्टी। तो आज जो आप ये व्लॉग देख लीजिए और कल आपको दिखाएंगे जो पार्टी होगी वो एक पब में होगी और हम सब वहाँ जाएंगे, तो वो सारा कुछ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल घर पे जो छोटी सी पार्टी हुई खुशी के बर्थडे की, और मामा जी के घर पे जो एक दिन पहले ही एडवांस में केक कटिंग हुआ, बस उसी की थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स है मेरे पास। तो आज का व्लॉग वही दिखा के ख़त्म करते हैं, तो आइए देखना शुरू करते हैं। कल है ना, आज से शुरू होगा एडवांस बुक। जन्म का सीजन चल रहा है, जून में आपका भी जन्म है। इसके बाद खुशी टीनेजर हो जाएगी। बच्चा लोग राउंड वाला है, खुशी को कुछ दे लो। आज नहीं है, कल है। आज क्या है? आज एडवांस में हो रहा है, नानी बाड़ी पे कल है। पहले हाल देता। अरे हंसो, क्या हुआ? अरे हंसो हंसो। तो इसी तरह खुशी का एडवांस में एक दिन पहले भी केक कटिंग हुआ, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ मामा जी के घर पे, और फिर डिनर करके नॉनवेज का प्रोग्राम था, वो सब होने के बाद वापस आ गए घर। और ये देखिए आदि सहबाला बना था, ये तो आप लोग को पता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो बैठा है देखने के लिए कि उसको कितने सारे पैसे मिले हैं, तो वो बैठ के ये सारा कुछ काउंट करने बैठा था। और फिर आज ही खुशी का एक्चुअली में बर्थडे है, तो इसीलिए ये देखिए थोड़ा सा डेकोरेशन जो भी हो पाया था, सब थके हुए थे तो थोड़ा सा जो भी घर पर बचे हुए बलून्स लगाया गया था। और ये देखिए खुशी की कुछ फ्रेंड्स आई हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और आज भी एक केक कटिंग हुआ है। फ़िलहाल हम लोग सब ऊपर वाले फ्लैट में हैं, केक कटिंग के लिए नीचे वाले फ्लैट में जाएंगे, वो क्लिप्स भी आप देखेंगे आगे। ये देखिए धीरे धीरे उसकी सब फ्रेंड्स आ गई जिन्हें भी बुलाया था, और सब फ्रेंड्स की छोटे छोटे भाई बहन भी जो हैं वो सब भी आए थे। और घर पर मैंने, निशा ने कहा मोमो बनेगा, तो मैंने बैठ के मोमो बेल के और ये सारा स्टफ़ करके दे दिया, और निशा ने फटाफट स्टीम करके और सब बच्चों को नाश्ता कराया। मोमो स्टफिंग जो है वो सिस्टर ने बना दिया था। और इसके बाद फिर डिनर के लिए सिंपल ही चिल्ली पनीर पूड़ी खीर यही सब कुछ बना था। और ये देखिए ये खुशी के मौसी की बेटी है साई, बहुत क्यूट है, प्यारी सी बच्ची है,
तो आप देखते रहिए। इसके बाद अब केक कटिंग होने जा रहा है फिर से। आज किसका बर्थडे है? आज किसका बर्थडे है तुम बताओ? किसका बर्थडे रानी बेटी? हेलो, नीचे गाड़ी में आइए। अरे है ही नहीं कोई, मेरी फ्रेंड लोग है बस। अच्छा ठीक है, बाहर ही रहिए, गेट गेट पे तो आइए। मम्मा नहीं है उसको? आज किसका बर्थडे है? कौन बताएगा आज किसका बर्थडे है? तुची का, तुची का, तुची का, तुची का। हम पिक्चर देखने खुशी, अगर हम अभी फोन गिरा दिए मोबाइल, अगर खुशी ए खुशी अभी ऐसे करते करते फोन गिरा दी उसी पे, क्या कर देती है? क्या होगा साईं, कुछ बोलो, मेरे पास आएगी? ये देखो क्या लगाए हैं, देखो देखो क्या लगाए हैं। और लीजिए केक कटिंग शुरू होने जा रहा है। वैसे मैं बता दूं, ये केक मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी और प्लस बेलेघाटा में तो थी नहीं, माँ के घर पे ही थी और दिन भर सोए सोए बीत रहा था। तो इस बार खुशी के बर्थडे पे मैंने केक बनाया नहीं एक भी। और ये केक जो है ये भी किसी होम बेकर से ही ऑर्डर करके हम लोगों ने मंगवाया था, लेकिन मैंने नहीं बनाया। तो इसी के साथ खुशी का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि असली में जो बर्थडे की पार्टी होने वाली है वो तो संडे के लिए डिसाइड की हुई है, संडे को होगी खुशी के बर्थडे की पार्टी। और फिलहाल ये क्योंकि आज बर्थडे था तो एक केक कटिंग छोटा सा हो गया उसके फ्रेंड्स के साथ, और इसके बाद खुशी ने सबको खिलाया और फिर डिनर विनर करके फिर सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए और फिर जल्दी जल्दी सो गई थी। और इस दिन भी तो व्लॉग आया नहीं था, आप लोग जानते ही हैं, दो दिन मिस आउट हुआ। और इसके बाद बस चलिए डिनर का दिखा दूं आपको, डिनर में क्या क्या बना था। ये देखिए डिनर भी सिंपल था, चिल्ली पनीर बना है और ये जो केक अभी कटिंग हुआ वो केक और साथ में खीर और ये जो फ्राइड राइस है ये बाहर से आई थी और साथ में पूड़ियाँ, बस इतना ही डिनर था। और सारे बच्चों ने डिनर किया फिर सब अपने अपने घर गए। और ये जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे फिर अगले दिन का लंच है, जबकि नॉन वेज बना था, राइस बना था और फिश एंड प्रॉन की करी बनी थी, तो वही खाते हुए थोड़ा सा मैंने लिया था और इसके बाद फिर सो गई थी। तो इतना सोई हूँ ना कि कुछ इसीलिए शूट हुआ नहीं था दो दिन। और ये देखिए आधी भी खाते हुए। होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा। फैमिली ज़्यादा कुछ तो था नहीं दिखाने को, जैसा कि मैंने बताया सब बहुत थक गए थे, हर कोई थक गए थे घर पे और सोते रहे पूरा पूरा दिन, तो कुछ शूट नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो आज का व्लॉग यही छोटी क्लिप्स के साथ ख़त्म करूँगी और रेगुलर व्लॉग्स जो है फिर कल से आने लग जाएंगे। तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, खुशी के बर्थडे की पार्टी है और जो कि एक पब में होने वाली है, तो बहुत
अच्छा ही होगा आई गेस। मैं कभी पब और डिस्को ये सब में ना मैं कभी जाती नहीं हूँ, तो मैं भी नहीं जानती, मुझे आइडिया है नहीं अंदर क्या होने वाला है। वहाँ जाने के बाद जो भी होगा वो मैं शूट तो करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को, और मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा डिस्को वगैरह ये सब। मैं नहीं जाती हूँ कभी, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब खुशी का बर्थडे है तो उसके लिए तो मुझे जाना ही है, तो और जाना है तो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो देखिएगा कल का ब्लॉग भी, खुशी के बर्थडे का स्पेशल ब्लॉग। सॉल्ट लेक में यहाँ बेलेघाटे के करीब ही है, वो सारा कुछ कल देखते हैं। आज का ब्लॉग फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। अमेज़ॉन की जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ फैमिली, वो मैं बोल ही चुकी हूँ पहले भी, और वो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है अमेज़ॉन की, तो आप लिंक में क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। और जितने भी न्यू व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ब्लॉग्स आती है मेरी, हाँ कभी कभार ऐसा होता है किसी वजह से नहीं आ पाए, अदरवाइज़ रेगुलर ब्लॉग्स आती रहती हैं, तो देखते रहिए। और वो जो शादी वाले दिन काफ़ी सारा मैंने पूरी रात जाग के शूट किया था ना, छोटे छोटे शॉर्ट्स वो मेकअप करने के बाद, वो धीरे धीरे आ ही रही हैं, आप लोग देख रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं उसमें। इतने इतने व्यूज़ आ रहे हैं कि मुझे तो मतलब यकीन नहीं होता है देख के। थैंक यू सो मच। 100 पार करके 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, इतने इतने व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए मेरी शॉर्ट्स को भी, मेरे लॉन्ग वीडियोस को भी, व्लॉग्स को भी, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और व्लॉग पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग के साथ। साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग एंड शावरिंग सो मच लव। इतने सारे व्यूज़, 3000 भी क्रॉस हो रहा है अब तो एक एक वीडियोज़ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर कल सुबह। बाय बाय।